नागरिकता संशोधन बिल पर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि देश को बांटने के इस कानून का विरोध कर रहे बच्चों के साथ बर्बरता की गई है। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हुए कहा कि जिनके बच्चे नहीं हैं वे क्या जाने दर्द। असल में ये संस्था किसानों की है और दुग्ध उत्पादकों की है और भारतीय जनता पार्टी किसानों का और दुग्ध उत्पादकों का भरोसा पहले खो चुकी है, विश्वास खो चुकी है। तो निर्विरोध इंदौर जैसे महादूत संघ का बड़ा चुनाव में मोती पटेल का निर्विरोध कांग्रेस के प्रत्याशी का जीतना ये स्पष्ट दर्शाता है कि किसान और नौजवान दोनों का मोह अब बीजेपी से भंग हो गया। ये जीत का सिलसिला अनावरत रहेगा। देखिए मेरा दल क्या सोचता है मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जामिया के छात्रों ने जो आंदोलन किया है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार मुझे भारत के नौजवानों में एक आक्रोश दिखा है, पहली बार मुझे नौजवानी दिखी है, वरना भारत का नौजवान घटनाओं से लिप्त नहीं हो पाता है। अरे उन्हें अलीगढ़ में हुआ होगा, होगा, अरे कहीं मध्य प्रदेश में हुआ होगा, अरे भारत के किसी कोने में यदि किसी छात्र के साथ अन्याय होता है तो नौजवानी को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अब समय बदल गया है। अब नौजवानों के हाथों को इतना मजबूत होना चाहिए कि जो सरकार बना सकते हैं हाथ, सरकार गिरा भी सकते हैं। और जामिया के लोगों ने सही मसले पे आंदोलन किया है, धर्म जाति और मजहब के आधार पे देश को बांटने का एक घिनौना षड्यंत्र जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इसका प्रतिकार पूरे देश में होना चाहिए।